हेलो एवरीवन, आई एम सरोज पटेल एंड आज हम लोग यहाँ पर आए हैं राजीव गांधी गार्डन में, जहाँ पर फूड कोर्ट है राजीव गांधी गार्डन का। हमने यहाँ पर एक चाट पपड़ी जो है वो ऑर्डर किया था और आप देख सकते हैं कि हमने ये चाट पपड़ी जो है वो ऑर्डर किया है, ये आप देखिए। एंड मैं इसका बताती हूँ आपको, इसका स्टॉल बताती हूँ आपको। ये रहा इसका स्टॉल और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं यहाँ पर जब हमने ऑर्डर किया, यू वॉन्ट बिलीव कि उसके अंदर से जो पपड़ी थी उसके अंदर से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है कि ये कई दिनों पुरानी पपड़ी जो है ये लोगों को सर्व कर रहे हैं। और कई सारे लोग सिर्फ इनको वार्निंग देकर के छोड़ देते होंगे, लेकिन फिर भी ये नहीं मानते हैं। अभी फिर से हमने भी सोचा कि चलो वार्निंग देके इसको छोड़ देते हैं, लेकिन देखा जाए तो लोगों की हेल्थ के साथ में कितना ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है। क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए? हम हमेशा ये करते हैं कि चलो ठीक है, ये ख़राब है, हम इसके पैसे नहीं देंगे और हम जा रहे हैं, बाकी कोई कंप्लेन करने की नहीं सोचता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है फसाई वालों से, फूड इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आकर कृपया जो है वो एक बार ध्यान रखें, ध्यान दें कि यहाँ पर हो क्या रहा है और ये कितनी पुरानी चीज़ों को सर्व कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, और लोगों की हेल्थ के साथ में खिलवाड़ हो जाता है। और अगर इसी प्रोसेस में हमारे साथ में एक बुज़ुर्ग है, अगर हो सकता अगर उन्होंने खा लिया होता तो उनकी हेल्थ पर इसका क्या इफेक्ट होता। शी इज़ 80+। आप सोचिए कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो, इस तरह से अगर किसी को भी कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। तो इस पे कृपया जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ शेयर मैक्स टू एक्स पीपल। थैंक यू सो मच।